ये चेक करें, ये ऊपर मलाई आ गई। ये बात नया दिन नई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल रहमान संगेड़ा। तो हमने जो अपनी पहली पाई वाली वीडियो बनाई थी ना, उस पर आपने इतना प्यार दिखाया तो हमने कहा यार एक और तो बनती है ना। तो और आपने ऊपर से कमेंट सेक्शन भर दिया कि भाई हनीफा सीरी पाई ट्राई करें, मियाँ सीरी पाई ट्राई करें, या फिर हैदरी बॉग पाई ट्राई करें। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं हनीफा और मियाँ सीरी पाई, और मैं मौजूद हूँ इस टाइम टेम्पल रोड पर। चलो जी शुरू करिए फिर। इस टाइम सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ अपनी पहली लोकेशन पे, जो कि है मियाँ सीरी पाई। और यहाँ पे माशाल्लाह लंगर तकसीम हो रहा है। चेक कराते हैं आपको यहाँ के सीन। तो ये चेक करें जी, यहाँ से ये चने धड़ाधड़ जा रहे हैं। ये चने हैं और ऊपर पायों की तरी है, मुर्गा देसी मुर्गा। और यहाँ से ये इस तरह धड़ाधड़। अच्छा जी, तो माशाल्लाह चेक करें, ये इस तरफ देसी मुर्ग है और ये चने पड़े हुए हैं। और आज बुध है, इस वजह से हमारा पाई वाला सीन मिस हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मियाँ साहब? ठीक है जनाब। मियाँ साहब क्या क्या होता है अपने पास? बरोद नागा मुर्गा होता है, ते बाकी सिरी पा भी होते हैं 7 दिन। तो माशाल्लाह अभी मैंने आपको जैसे पहले दिखाया, यहाँ से ये लंगर जा रहा था। और ये माशाल्लाह लंगर का क्या सीन है? कितने का प्याला आपका सिरी पाई का? पावा लोगे तो फिर 300 दा, मगध लोगे 300 दा। क्यों जी? और सर्दियों और गर्मियों की टाइमिंग बता दें। टाइमिंग हो गई है आजकल 5:30 भी है, गर्मियों 4 बजे। तो ये हमारा प्याला तैयार होने लगे, ये लग आ गया। ये कितने का है प्याला? 320 का। ये देसी मुर्गा आ गया, तो हमने कहा जरा देसी मुर्गी ट्राई कर ले। अच्छा जी, तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये है जी इनका कुलचा, और ये हमने लगवाया देसी मुर्ग। तो हमने कहा यार मौका हाथ से नहीं जाने देना, अगर पाए नहीं भी मिले तो मुर्ग ट्राई करते हैं। ये चेक करें, ये लेग का पीस मैंने लगवाया। ये चेक करें, सही है जी। तो अभी सुबह आते हुए इतनी सर्दी थी ना कि मेरे हाथ और पाँव सुन्न हो चुके हैं, लेकिन जितना यहाँ पे गर्म सीन चल रहा है तो यानी मैं सही उठ के आया हूँ सुबह सुबह ना। मेरे पैसे पूरे होने वाले हैं, मुझे लग रहा है। इतना प्रॉपर तरीके से गला हुआ है ना कि आप उसको जो सिर्फ पकड़ना है आपने, और वो पूरा लेग मेरे हाथ में आ गया। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना नरम गोश्त है ना कि आपने जस्ट बाइट लेनी है और उसके बाद आपको फील भी नहीं होता। और नवाला अंदर, ये अंदर के हालात हैं कि आपने सिर्फ इसको पकड़ना है और ये पूरा का पूरा ना आपके हाथ में आ जाता है। बहुत जबरदस्त है। कमाल। तो इस सर्दी में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको ये मुर्ग देसी मुर्ग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 8 बजे ख़त्म हो जाते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये प्याला उठाऊं और वैसे ही पी जूं, और मैं ये करने भी वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा। बिल्कुल ही मुनासिब नमक मेरे चाय, आपके गले में नहीं लगता और गले की टिकोर भी बड़ी फिट हो रही है। सो भाई की रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप बुध को आ जाते हैं मेरी तरह और आपके पाए मिस हो जाते हैं, तो आपने देसी मुर्ग मिस नहीं करना।
तो देसी मुर्ग मैंने खा लिया, लेकिन जब मुझे पहले पता लगा कि इनके पास आज पाए नहीं है तो मैं थोड़ा मायूस हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर पाए होते ना तो मैं इतना फिट किस्म का ये देसी मुर्ग ना एक्सप्लोर कर पाता। सो अभी मैं जा रहा हूँ हनीफे पे, और जो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन है ना कि उनके भी पाए ख़त्म ना हो गए, अगर उनके पाए ख़त्म हो गए तो सारा मज़ा दुबाला हो जाएगा। सो चले जी। मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी लोकेशन पर जो कि है मोहम्मद हनीफ सिरीपाए, और ये टेम्पल रोड पर जेदी पान शॉप के बिल्कुल साथ है। माशाल्लाह यहाँ पर रश चेक करें, यहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इस तरफ भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सो टेम्पल रोड का एक अपना ही समा होता है सुबह सुबह, यानी फजर की नमाज के बाद। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई सब क्या क्या होता है अपने पास? हमारे पास सिरीपाए होते हैं जी, और बुध को मुर्गा होता है देसी। अच्छा, और सिर्फ बुध को नागा होता है, मंगल को नागा नहीं होता? नहीं। और सर्दी और गर्मी में क्या टाइमिंग है? अजान के टाइम, अजान के टाइम पे, जो फजर का टाइम है। चले ठीक है, और लगा दें एक प्याला। तो ये हमारा प्याला तैयार होने लगा, ये लग गया। ये कितने का है? 450। ये 450 का है। शुक्रिया। तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये चेक करें जी हमारा ये लेग। नज़दीक से बहुत सेक्सी लग रहा है ये भी, और साथ नान है, और ये 450 रुपये का प्याला है महंगाई के इस दौर में। सो यहाँ आके भी मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाए नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो हो गई ही मुर्ग क्या कहते हैं देसी मुर्ग के बारे में। ट्राई करते हैं, ये चेक करें जी। ये देखें भाईजन, पकड़ लो जूम फोकस कर, सॉरी भाईजन पकड़ लो फोकस, फाड़ लो भाईजन, ओ भाईजन, ओ भाईजन। तो ये है जी, फाइनली फोकस पकड़ लिया। अच्छा, इसके लेग में ना थोड़े आपको मसाले मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मसाले बुरे हैं, लेकिन मसालों का अक्सर जैसे लेग घर में बनता है ना, बिल्कुल आपके घर में बनता है लेग, बहुत सीन है इसका। थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है ये चेक करें। एक तो इनके शोरबे का फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, और दूसरा जो इन्होंने टच दिया हुआ है वो दिया हुआ है चने की दाल का, यानी जो शोरबे के अंदर ना चने की दाल भी है उसका भी एक हल्का सा टच आता है। तो फाइनल रिव्यू से पहले मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे अल मदीना मिल्क शॉप से लस्सी पिलाते हैं, और इसकी लोकेशन यही है कि जैसे ही आप टेम्पल रोड पर एंटर होते हैं ना तो हाफिज़ दही बल्ले के बिल्कुल सामने है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक सर जी। लाओ ज़रा एक लस्सी लाओ। किन्ने दी है लस्सी? 90 रुपए दी। तो ये टेंपल रोड की तकरीबन सबसे बेहतरीन लस्सी ही है। ये चेक करें, ये ऊपर मलाई आ गई, ये बात। तो ये है जी अपना लस्सी का गिलास, ट्राई करते हैं। थोड़ी थोड़ी मुझे मिर्चें लग रही थी तो मैंने कहा क्यों ना लस्सी भी पी लें और आपको रिकमेंडेशन भी एक दे देंगे। मैंने ना टेंपल रोड पे, छोटी बात करूँगा, मैंने टेंपल रोड पे 3-4 जगह से लस्सी ट्राई की हुई है। मेरे ख्याल से अगर आप नाश्ता करने आए तो टेंपल रोड की सबसे बेहतरीन लस्सी इन्हीं की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये स्पेशल, वैसे अमेरिका से आए हैं आप अभी? यस। और अभी किस लिए आए थे यहाँ पे टेंपल रोड पे? यहाँ पे ये लस्सी पीने और हनीफे के पाए खाने। तो आज तो वैसे पाए नहीं होंगे ना? देसी मुर्ग है आज, वेंसडे है। तो आपने पहले खाया हुआ मुर्ग? यस खाया हुआ। क्या आपके राय है उसके बारे में? इज अ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा है, मगर चूँकि हनीफा ऑलरेडी हमने आजमाया हुआ है। कितने टाइम से खा रहे हैं? मुझे, मैं जब भी आता हूँ उसी के पास जाता हूँ। अच्छा जी। तकरीबन 40 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी।
तो पहले तो हमारे साथ थोड़ा सा हैंड हो गया कि हम वीडियो बनाने आए थे पाई पे और वो बन गई देसी मुर्ग पे, लेकिन मेरे ख्याल से जो हुआ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ क्योंकि मैं बड़ा मुतमइन हूँ मुर्ग देसी मुर्ग खा के। तो पहले बात कर लेते हैं जी मियाँ श्री पाई का जो देसी मुर्ग था यार, वो बहुत प्रॉपर तरीके से घुला हुआ था और जो उसकी बोटी का पीस था ना उसमें इतने स्पाइसेस नहीं थे, उसके सारे स्पाइसेस थे उसकी शोरबे में, उसकी तरी में, और बेहतरीन है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। और उसके बाद मैंने ट्राई किया था हनीफा सिरी पाई वालों का देसी मुर्ग, उसमें थोड़ा डिफरेंट टच था, दाल का टच था और उनके जो मुर्ग था ना जो बोटी थी उसमें भी अच्छे स्पाइसेस थे, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि दोनों में से मुझे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा तो वो था जी मियाँ का जो मुर्ग था ना देसी मुर्ग, दोनों बेहतरीन थे, दोनों रिकमेंडेड हैं। लेकिन अगर आप हनीफे वाला खा चुके हैं और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि मियाँ सिरी पाए का देसी मुर्ग ट्राई करें, और अगर ये दोनों चीज़ें खा ली हैं तो एंड में अलमदीना मिल्क शॉप से लस्सी भी लाजमी भी है। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेवा।